हाय दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल 81 फैक्ट्स में। इस वीडियो में हम आपको इनफॉर्मल गार्डन क्या होते हैं और उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है, तो चलिए जानते हैं। इनफॉर्मल गार्डन में हम किसी भी लेआउट या फिर किसी भी जियोमेट्रिक विधि का प्रयोग नहीं करते हैं और यह एक नेचुरल या फिर किसी भी प्राकृतिक स्थान पर इस्टेब्लिश किया जाता है। इसमें प्रमुख विशेषता होती है कि यह इसमें आपकी नदियाँ होनी चाहिए, नदियों के ऊपर पुल होने चाहिए, पहाड़ियाँ होनी चाहिए और पहाड़ियों से गिरने वाले झरने होने चाहिए, चलने के लिए टेढ़े-मेढ़े रास्ते होने चाहिए और साथ साथ तालाब भी होने चाहिए। इनका प्रमुख उद्देश्य सिर्फ मानव को शांति प्रदान करना होता है और इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं जैसे कि जापानी गार्डन, इटालियन गार्डन और आपका इंग्लिश गार्डन। लेकिन इन तीनों में सबसे ज़्यादा और सबसे प्रमुख जापानी गार्डन है। जापानी गार्डन को ही नेचुरल इन्वेंट्री कहा जाता है। लेकिन जापानी गार्डन तीन प्रकार के होते हैं, जैसे हिल गार्डन। हिल गार्डन को सुकियामा सेंसुई कहा जाता है जापानी भाषा में, और इसका जापानी भाषा में इसका अर्थ पानी और पहाड़ी से लिया जाता है। लेकिन फ्लैट गार्डन या फिर समतल गार्डन को हम हिरानिवा कहते हैं, और हिरानिवा में हम कृत्रिम रिवर और आर्टिफिशियल पुल का निर्माण करते हैं। साथ साथ और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे प्रमुख गार्डन इसका टी गार्डन है, जिसमें बैठकर आराम से चाय पी जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा शांति का अनुभव होता है और इसके सबसे बाहरी भाग को हम सीता रोज कहते हैं, जबकि अंदर वाले भाग को हम युची रोजी कहते हैं। और जहाँ पर या जिस जगह पर चाय पी जाती है यानी प्रतीक्षालय को हम माची आई कहते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।